वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8, इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने इसके 3 टाइप्स पढ़ लिए थे, ट्रॉपिकल, डेसिडियस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट एंड थॉर्नी बुशेस। जो बाकी के 2 टाइप्स हैं, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो माउंटेन्स पे जो वेजिटेशन पाई जाती है वो किस तरह की होती है। ए वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। तो माउंटेन्स पे अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं पौधों की, पेड़ों की। स्पीसीज मीन प्रजातियाँ। तो ये अलग अलग किस लिए पाई जाती हैं, क्योंकि वेरिएशन होता है हाइट में, ठीक है। हर एक माउंटेन की अपनी हाइट होती है। विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। तो जैसे ही हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर गिरता है, नीचे जाता है, ठीक है, टेम्परेचर और ठंडा होता जाता है। एट ए हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। तो 1500 से लेकर के 2500 मीटर तक की जो हाइट होती है उसमें कॉनिकल शेप के ट्री पाए जाते हैं। कॉनिकल शेप के ट्रीज कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ये कौन शेप के ट्रीज हैं, कौन कुछ इस तरीके का होता है, तो ये कॉनिकल शेप है। तो ये 1500 से लेकर के 2500 मीटर्स तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज। और इन पेड़ों को बोला जाता है कॉनिफेरस ट्रीज। चीर, पाइन, देवदार आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट के, जैसे कि चीर है, पाइन है, देवदार है। तो ये कुछ कॉमन ट्रीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये थी माउंटेन वेजिटेशन, ठीक है। माउंटेन वेजिटेशन हाइट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, शेप में चेंज आती रहती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सेलाइन वाटर। तो ये जो फॉरेस्ट है वो सेलाइन वाटर में भी जीवित रह सकते हैं। सेलाइन वाटर मीन्स नमकीन पानी में भी सर्वाइव कर पाते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन। तो सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और वेस्ट बंगाल के अलावा अंडमान निकोबार जो द्वीप है उनमें भी पाए जाते हैं। सुंदरी इज वेल नोन स्पीसीज ऑफ दिस ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबन हैव बीन नेम्ड। तो सुंदरबन जो जगह है, जो डेल्टा है, उसी के नाम पर एक यहाँ पे पेड़ों की एक स्पीसीज पाई जाती है जिसका नाम है सुंदरी। ये वेल नोन स्पीसीज है, ये कई बहुत ही जानी मानी स्पीसीज है, प्रजाति है जो यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका नाम सुंदरबन के नाम से ही रखा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। तो फॉरेस्ट इतने जरूरी क्यों होते हैं। देखिए, फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। फॉरेस्ट दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। दे प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो प्लांट्स की रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करते हैं, बांधे रखते हैं, ताकि सॉइल इरोजन ना हो, मिट्टी का कटाव ना हो। फॉरेस्ट हमें जो टिम्बर क्या होती है, जो फर्नीचर के जो लकड़ी होती है, जो घरों में जो लकड़ी लगाई जाती है घर बनाते टाइम, या फर्नीचर के जो लकड़ी होती है, सॉफ्ट वुड जिसे बोलते हैं टिम्बर, वो फॉरेस्ट से मिलती है। फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लैक, हनी, गम एक्सेट्रा। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक निवास स्थान है जीव जंतुओं का। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। प्राकृतिक वनस्पति को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है क्योंकि जो पेड़ों की जो कटाई वो रेकलेसली हो रही है। रेकलेस मीन्स लापरवाह तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है।
वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ अभी बचे हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे और हमें ऑक्सीजन मिलती रहे और CO2 का कंजप्शन होता रहे। सो वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे वन महोत्सव है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अर्थ ग्रीन बनाने में मीन्स प्लांट लगाने में इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं। हम देखिए जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, अभी हम उस पर आ गए हैं, ये है वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतुओं का एक घर होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। तो हजारों प्रजातियां जानवरों की फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो सरीसृप होते हैं जो रेंग करके चलते हैं, एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं या जो ज़मीन पे दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड एंड वाटर। द एनिमल्स विच लिव इन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। उसके बाद मैमल्स हैं जो स्तनधारी होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स। तो इन सभी की स्पीसीज फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और हमारे देश के कई हिस्सों में ये पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लाइंस। गुजरात के अंदर जो गिर फॉरेस्ट है वो एशियाटिक लाइंस, एशिया के जो लाइंस है उसका होम बोल सकते हैं। तो वहाँ पर एशियाटिक लाइंस पाए जाते हैं। एलिफेंट्स एंड वन ऑन राइनोसोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। और एलिफेंट्स पाए जाते हैं और जो वन ऑन राइनोसोर्स जो एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वो भी असम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। रोम मतलब वो साउंड निकालते हैं इस तरीके से। एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। फिर जो हाथी हैं वो केरल और कर्नाटका में मोस्टली पाए जाते हैं, सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं एलिफेंट्स। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। जो ऊंट और जो एसेस हैं गधे हैं वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, थार डेजर्ट और जो कच्छ ऑफ रन गुजरात के अंदर है वहाँ पे पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एसेट्रा आर फाउंड इन हिमालय रीजन। जो जंगली बकरियाँ हैं, जो गोट हैं या जो स्नो लेपर्ड हैं, बियर हैं एसेट्रा, ये सभी एनिमल्स हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। बिसाइड्स दिस मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल। तो इसके अलावा, ये तो वाइल्ड एनिमल्स की हमने बात की, इनके अलावा कुछ और एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर, जैसे कि मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय। तो ये सभी एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की वैरायटी है, वेरिएशन है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज की वेरिएशन है। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कि जानवरों की बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे पक्षियों की भी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड और उनमें से हमारा पिकॉक जो है नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। जो दूसरे कॉमन बर्ड हैं जैसे पैरट है, पिजन है, मीना है, गीज, बुलबुल, डक्स, ये कॉमन बर्ड्स पाए जाते हैं। देर आर सेवरल बर्ड्स सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देर नेचुरल हैबिटेट्स। इनके अलावा बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। बर्ड सेंचुरीज क्या हैं? ये पक्षियों के जो रहने के लिए बोल सकते हैं कि हैबिटेट है, ठीक है, निवास स्थान है, जो उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो शिकारियों से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एनिमल्स और बर्ड्स को। तो आप कोई भी 5 बर्ड्स जो हैं
उनकी उनका नाम बता सकते हैं आपके एरिया में जो पाए जाते हैं? वैसे इंडिया में जो मोस्टली जो बर्ड सेंचुरी है जो पाए जाते हैं, जैसे गाना बर्ड सेंचुरी है राजस्थान है, ठीक है, और भी ऐसी सेंचुरीज हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। क्रोब्रास एंड क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमोंग देम। और कुछ कॉमन जो स्पीसीज हैं स्नेक्स की, जैसे कोबरा और क्रेट्स हैं, वो कॉमन है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। तो फॉरेस्ट के काटने से, पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है कि जो स्पीसीज हैं वो कम हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में पेड़ों को काटने से और हंटिंग करने से भी, उनका शिकार करने से भी उनका जो नंबर है वो कम हो रहा है। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। और बहुत सारी स्पीसीज जो ऐसी हैं वो जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप। उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। तो गवर्नमेंट ने अभियान शुरू किया है इन जानवरों को बचाने के लिए। तो टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, और एलिफेंट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था। तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम बता सकते हैं जो इंडिया में है, और उनको लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि जो जो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया की, जो जैसे कि गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर है, ठीक है, और जैसे कि बर्ड सेंचुरी है, मैंने आपको बताया गाना बर्ड सेंचुरी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप उनको इंडिया के मैप में लोकेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। तो आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, देखिए, यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फीदर्स। तो आप उन चीज़ों को लेने से मना कर सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए आपको जो एनिमल्स की बोन्स से या हॉर्न से या फिर उनके फर, स्किन, किसी भी चीज़ से, किसी भी बॉडी पार्ट से बने होते हैं, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उससे उसके जो डिमांड है या फिर जो उसका जो उसकी मांग है वो कम हो जाएगी, और ऐसी चीज़ें बनना बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे एनिमल्स को ही फ़ायदा होगा। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो हर साल हम अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसको हम वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की जो हैबिटेट है उनको बचाने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो हर साल जो है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इंडिया आते हैं, फिर इंडिया से कुछ बर्ड्स दूसरे देशों में जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। सम बर्ड्स सच एज पिन टेल डक, क्रिल्यूज, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे एंड लिटल स्टिंट माइग्रेट टू आवर कंट्री। तो कुछ बर्ड्स के नाम दिए गए हैं जो हमारे देश में माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में आते हैं हर साल। जो स्मॉलेस्ट बर्ड है इनमें से, स्टिंट जो वेट है जो 15 ग्राम से भी, जिसका वेट 15 ग्राम से भी कम आता है, वो कहाँ से आता है, आर्कटिक रीजन से आता है। ओवर 8,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके वो इंडिया पहुंचता है। तो ये माइग्रेशन किस लिए करते हैं, क्योंकि बर्ड्स को अपने रहने लायक स्थान चाहिए होता है। जब भी क्लाइमेटिक जो वेदर चेंज होता है किसी भी जगह का, तो उस टाइम पर अपने आप को उससे बचाने के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढते हैं जो उनके रहने के लायक हो। तो इसलिए जो बर्ड्स हो माइग्रेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।